क्या आप सफल या कामयाब होना चाहते हो? है ना बेकार सवाल। भला कौन कामयाब, सफल या तरक्की करना नहीं चाहता पर कर नहीं पाता। दोष ना आपका है और न हमारा, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम का है जो होश संभालते ही माता पिता व आस पड़ोस से सौगात में मिलता है। तू तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। देख अपने छोटे भाई अभिषेक को जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। बस यही तुलना की गांठ जो बचपन में मन में बैठ गई थी आज वक्त के साथ बड़ी होकर गठरी बन गई है और हम सिर पे लिए घूम रहे हैं तुलना की गठरी। आज मैं इस चैनल के माध्यम से खुला ऐलान करता हूँ कि तुलना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कैसा मीठा जहर है जो पल पल तरक्की से दूर गुमनामी के अंधेरे की ओर ले जा रही है। इस पल के बाद आपको भी इस बात का पक्का यकीन व विश्वास हो जाएगा कि आप यूनिक, अतुलनीय थे, हो और रहोगे। अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि मैं संदीप सर, विंद्रा सर और सोनू शर्मा नहीं बन सकता, साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि संदीप, विंद्रा और सोनू सर भी मेरे जैसे नहीं बन सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप तुलना करोगे, आपके अंदर जो विलक्षण प्रतिभा छुपी है उसका खून कर दोगे। मैं भी हमेशा संदीप सर, विंद्रा सर और सोनू सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, पर कभी भी उनकी कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। अगर कॉपी करूँ भी तो क्या करूँ? संदीप सर की स्माइल, विंद्रा सर का जोश और सोनू सर की पर्सनालिटी कहाँ से लाऊंगा? अब तक न जाने कितने ही लोग अमिताभ बच्चन सर की कॉपी करते करते जमी दोष हो गए और उनकी पहचान सिर्फ मिमिक्री एक्टर तक ही सिमट गई। अभी हाल ही में लता ताई की कॉपी कर सुर्खियों में आने वाली फेसबुक सनसनी का हश्र किसे नहीं पता। अपनी मेरिट को पहचानो और उस पर काम करो। आज का थॉट, अगर मैं सब्जियों की बात करूं, हर सब्जी चाहे आलू, टमाटर, प्याज, बैगन, टिंडा, मूली, गाजर, सब तो सब्जी ही है, पर सबका टेस्ट व स्वाद अलग अलग है। बैगन सोचे कि मैं टमाटर हो जाऊं, टमाटर सोचे काश मैं बैगन होता। अगर दोनों एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करें तो ऐसी दशा में न तो टमाटर टमाटर रहेगा और न ही बैगन बैगन। शायद दोनों अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि इनकी पहचान तो बस इनकी खूबियों के कारण ही है। आज और अभी से खुद से एक वादा करो कि आज के बाद आप न तो किसी से अपनी तुलना करोगे और न ही कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे। बस एक मंत्र, अपने गुणों व मेरिट को पहचानिए और सीखना जारी रखिए, क्योंकि जितनी अच्छी समीक्षा आप खुद की कर सकते हैं, कोई अन्य आपकी उतनी अच्छी समीक्षा नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि कभी भी पर्सनालिटी की कॉपी मत करना, क्योंकि पर्सनालिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्सनल धन क्वालिटी। जब आप पर्सनल क्वालिटी को पहचानते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपका सारा जीवन खुशबू से महक उठता है। ऐसी दशा में न ही आप जीत के पीछे भागते हैं और न ही जीत आपके आगे चलती है, बल्कि जीत व सफलता आपके कदमों में होती है। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग थॉट्स के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गैलेक्सी ऑफ थॉट्स। जय हिंद, जय भारत।